सुरेश जी, समस्तीपुर जिला में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के 30 बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और ये बगरा थाना अंतर्गत वायरलेस चौक है जहां पर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच का चेक पोस्ट है। यहां वैशाली जिला से भी टच करता है। इस बॉर्डर चेक पोस्ट को आदर्श चेक पोस्ट बनाया गया है और यहां पर जो भी गाड़ियां मुजफ्फरपुर से या समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की तरफ जाती हैं उनका लगातार 24 घंटा सघन जांच होता है। जांच के क्रम में मादक द्रव्य पदार्थ, पैसा वगैरह का चेकिंग होता है, अवैध हथियार का आवाजाही नहीं हो इसके लिए चेकिंग होता है तथा गैर कानूनी हरकतों में जो संलिप्त होता है मोटरयान के तहत उनके बारे में भी जांच होती है और यहाँ हैंड हेल्ड सेट रखा हुआ है ताकि चुनाव के दौरान कोई भी गतिविधि पर, किसी तरह की गतिविधि पर निगरानी रखी जाए। बंगला थाना अध्यक्ष यहाँ पर सतर्क हैं और इसी तरह से कोठिया चेक पोस्ट है जो पटना को टच करता है वहाँ भी लगातार चेकिंग चलता है और इसी तरह का चेक पोस्ट बनाया गया है। इस चेक पोस्ट पर जो यहाँ पुलिस पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं और जो फोर्स है उनके लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। टेंट बनाया गया है, यहाँ संतरी पोस्ट है, रोशनी की भी व्यवस्था की गई है और पंखा वगैरह सारे साधन का व्यवस्था किया गया ताकि 24 घंटा लगातार यहाँ पर कैशलेस जो फाइन है उसकी व्यवस्था किया जा सके। कैशलेस की भी व्यवस्था की गई है। ये रात में भी चेकिंग होता है, रात में भी चेकिंग होता है और यहाँ पीए सिस्टम भी लगाया गया है, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। अगर गाड़ियाँ ज्यादा लग जाती हैं तो वहाँ कैसे पीए सिस्टम से कंट्रोल होगा। इस तरह से एक आदर्श चेक पोस्ट बना करके और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जो मानक बनाए गए हैं उनके अनुसार लगातार चेकिंग चल रही है और सघन जांच चल रही है। बॉर्डर को सील करके चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। समस्तीपुर में जिले के बॉर्डर को सील करके चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, बाइकों या बस सभी की हुई तलाशी। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के आदेश पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में शनिवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान जिले के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। खासकर NH 28 पर बनगरा थाना क्षेत्र के वायरलेस चौक पर बनाए गए आदर्श चेक पोस्ट पर जिले की सीमा को पूरी तरह से सील कर वाहनों की जांच की गई। यहां बाइक हो या बस सभी की बारीकी से तलाशी की जा रही थी। खासकर जिला में प्रवेश करने वाले सभी बॉर्डर को एक तरह से सील कर इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान की मॉनिटरिंग ASP सह सदर DSP संजय कुमार पांडेय स्वयं कर रहे हैं। बनगरा थाना क्षेत्र में बने आदर्श चेकपोस्ट पर स्थानीय थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी एवं उनकी टीम पारा मिलिट्री फोर्स के साथ वाहनों की जांच की। बाइक, कार, बस, ट्रक सहित सभी तरह वाहनों एवं सवारी गाड़ियों के चालकों के साथ साथ उनकी वाहनों एवं उसमें रखे सामानों की भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया था। काफी संख्या में बाइकर्स पुलिस की सख्ती को देखकर अपना रास्ता बदलते नजर आए। ASP श्री ने कहा कि चुनाव को लेकर विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। इसको लेकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों के बॉर्डर एरिया को सील कर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र स्थित प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NH 28 पर बनगरा थाना के वायरलेस चौक पर आदर्श चेक पोस्ट बनाया गया है। इस चेक पोस्ट पर 24 घंटे जांच की व्यवस्था की गई है। चेक पोस्ट पर अत्याधुनिक हथियार से लैश संतरी की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 24 घंटे जांच के लिए पारा मिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी एवं को तैनात किया गया है। चेकिंग क्या हो रही है? कानून को मानने वाले हैं, कानून को मानने के लिए ही तो हम दिखा रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं। सभी जमाने हैं।
किस तरह से सभी लोगों की बैग की चेकिंग की जा रही है लगातार। पांडे के नेतृत्व में कराया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर जो यूपी समस्तीपुर जिले में होती है तमाम वाहनों की चेकिंग तलाशी ली जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तलाशी ली जा रही है। जो लोग हैं देख सकते हैं तमाम लोगों को जो है तलाशी बारीकी से ली जा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे तो लगातार चेकिंग अभियान इलाकों में इलेक्शन के लोकसभा इलेक्शन को लेकर सघन छापेमारी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है ताकि गलत तरीके से इलेक्शन के मध्य लोग अगर